3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी धर्मों में शादी के लिए अपने नियम और कायदे हैं। किसी धर्म में एक से ज्यादा पत्नी नहीं रख सकते तो किसी में 4 शादियां तक मान्य है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अब तक 58 शादियां कर चुका है। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि झारखंड के चाईबासा से 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके बागुन सुंबरुई है। बागुन आदिवासी प्रांत से है और उनके प्रांत में एक से ज्यादा शादियां करने पर कोई रोक नहीं है। बागुन पूरे झारखंड में अपनी सादगी और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इतनी बार सांसद रहने के बाद भी वे आज सिर्फ 2 कमरों के घर में रहते हैं। इतना ही नहीं, बागुन गांधी जी की तरह सिर्फ धोती ही लपेट कर रहते हैं। गर्मी हो या बरसात, साल 1942 के बाद से आज तक बागुन ने कभी भी धोती के अलावा कोई और वस्त्र धारण नहीं किया। बागुन ने बताया कि इनके इलाके में पहले मेला और हाट लगा करते थे। उन्हें देखने आने वाले लोग कारोबारी आदिवासी लड़कियों का शोषण करते थे जिससे वे गर्भवती हो जाया करती थी। ऐसे में लड़कियों को बागुन ने अपना नाम देना शुरू किया और उनका सहारा बने। बागुन ने बताया कि वे अपने जीवन में कभी किसी महिला के पीछे नहीं भागे, बल्कि जो उनसे शादी करना चाहती थी वे खुद उनके पास आई। बागुन के सांसद चुने जाने के बाद उन्हें ज्यादातर आदिवासी महिलाओं के शादी के प्रस्ताव मिलने लगे। बता दें कि उनकी पहली पत्नी की बेटी की सहेली अनीता कुमारी से भी उनका विवाह हो चुका है। बागुन ने बताया कि कई लड़कियां ने मुझे अपना पति बताकर नौकरी की, उनको कोई और साथी मिल गया तो वो मुझे छोड़कर भी चली गई। बागुन ने कहा कि उन्हें न किसी के आने पर ऐतराज था और न ही किसी के जाने पर। दोस्तों, एक से ज्यादा शादी करने की रात पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।